सरकार बन जाती है। जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखो राम तो पहले से ही आदमी है यहाँ, जो राजा दशरथ का पुत्र था और कबीरदास ने तो भाई राम चार बताए, अब कौन से राम को लाएंगे हैं। पहला राम जो है दशरथ का प्यारा, दूसरा राम घटकावासी, तीसरा राम सकल पसारा और चौथा राम इस दुनिया से ही नहीं आ रहा। ये तो हमारे संतों ने कहा है, अब ये कौन से राम को लाए कौन से राम को नहीं लाए। और राम से देश तो ही चलता है। अरे भाई किसी का नाम लोगे देश तो ही चलेगा। देश चलेगा यहाँ की जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, विकास से चलेगा जनता। साथियों नमस्कार, मनोज अंतानी बोल रहा हूँ। चुनावी रण का बिगुल बज चुका है, मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में क्या है माहौल, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोकसभा में मैं खड़ा हूँ और ये दिल्ली का अशोक नगर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ कुछ समाजसेवी लोग हैं, जानते हैं चुनाव का क्या माहौल है। पहले परिचय ले लेते हैं। भाई जी परिचय दीजिए अपना। नाम भगवान सिंह है मेरा जी, अशोक नगर में रहता हूँ। अशोक नगर में रहते हैं। आनंद किशोर भारती, अशोक नगर में रहता हूँ जी। बीरबल बौद्ध नाम है, शहीद भगत सिंह के लोग रहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी का जिला का कोषाध्यक्ष भी हूँ और मिशन मूवमेंट का अपना काम करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष है, ये बड़ी काम की बात है। दिल्ली में क्या माहौल है बसपा के लिए? दिल्ली में ठीक माहौल है। बहन जी ने लोकसभा की सातों सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे हुए हैं और सारे प्रत्याशी दिल्ली के अंदर अपनी तन मन धन से जो है समाज में उतरे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हर पार्टी अपना मेहनत करती है तो बहुजन समाज पार्टी भी भारत की राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरे नंबर की पार्टी है, तो वो क्यों पीछे रहे, उनके कार्यकर्ता क्यों पीछे रहे, क्यों ना अपने प्रत्याशी को जिताएं। और मेहनत भी करके रात दिन प्रत्याशी लगे हुए हैं, जगह जगह चल रहा है कार्यक्रम जो बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए और अपने प्रत्याशी जिताने के लिए। सारे के सारे जो वार्ड प्रभारी हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जिले के जो पूरी टीम है और जो है विधानसभा की पूरी टीम रात दिन लगी हुई है, गली गली में जाकर के प्रचार कर रहे हैं और अंदरूनी प्रचार भी कर रहे हैं। जो गुप्त प्रचार चलता है, जो बिना पटके और बिना उसका चलता है प्रचार, वो भी चल रहा है। और कोई पार्टी को कम ना समझे, पार्टी तीसरे नंबर की है, हम तो चाहते हैं कि पार्टी हमारी कम से कम जो है फर्स्ट नंबर की हो जाए। पार्टी फर्स्ट नंबर की हो जाए। विपक्षी कह रहे हैं 400 पार और ये कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार। देखो सरकार बहन जी की बननी चाहिए, कैसे क्या, बहुजन समाज 85% है देश के अंदर और 85% हम लोग आधा वोट दे देंगे तभी पूरे बहुमत से हमारी सरकार बन जाएगी। वोट दे देंगे ईमानदारी से तो सरकार बनेगी। ईमानदारी से कैसे वोट देंगे? ईमानदारी से वोट ये देंगे कि जब तक हम जो है बहन जी के कार्यों को पब्लिक में नहीं दिखाएंगे। 2000 जब साथ में बहन जी की सरकार बनी थी, जो काम बहन जी अधूरे छोड़ गई, क्या है वो नुक्ति का मामला हो, क्या है वो हाईवे का मामला हो, क्या है वो रेलवे मेट्रो का काम हो, जो बहन जी के प्रोजेक्ट है, जैसा कि लोनी में आज भी एक फ्लाईओवर है वो आज तक पूरा नहीं हुआ, जो बहन जी के काम है, अखिलेश की सरकार ने भी, योगी की सरकार को भी, तीसरा सेशन दो सेशन एक उसका अखिलेश का और एक योगी का पूरा हो चुका है और जो योगी का दूसरा सेशन चल रहा है अभी तक बहन जी के ही जो काम है वे ही अधूरे पड़े हैं। इन सरकारों में ना तो SC ST को कोई काम, मतलब इनके कोई दिया जा रहा है, जो इनके नुक्ति भी हैं वो नुक्ति भी पूरी नहीं हो चुकी है, जो कि 2007 और 8 विशिष्ट PTC का जो केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उन पर कोई योगी सरकार और ना अखिलेश सरकार ने कोई भी उनमें कोई तरक्की या उन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। बहन जी के कामों को जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जैसा कि साहब ने बताया मीडिया आपके पास नहीं है, अखबार आपके पास नहीं है, लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार को चुन लिया गया है उत्तरी पूर्वी जो आपकी लोकसभा है, कैसे उनके प्रचारों को पहुंचा पाएंगे, कैसे उनका प्रचार कर पाएंगे आप? हमारे बीच में हमारे जो सोशल मीडिया के हमारे जो पत्रकार महोदय हैं वो रात दिन पहले भी काम करते रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि लोग हमारे पार्टी संसाधन विहीन है, वो बच्चे सारे संसाधन तो मोदी ने पहले खत्म कर दिए, आपका चैनल भी कई बार ब्लॉक किया इन्होंने और हमारे जो जितने भर मीडिया कर्मी हैं उनको भी वो प्रताड़ित करते रहते हैं। तो अगर ये सोशल मीडिया हमारे बीच में नहीं होता तो जेल जा रहे पत्रकार आपके, पत्रकार जेल इसलिए भेज रहे हैं कि क्योंकि हम सच्चाई की खबर दिखाते हैं ना, धरती पर हो क्या रहा है, धरती पर झूठ का झूठ हो रहा है। 400 पार जो कर रहे हैं ना, अब की बार में हमें लगता है कि अब की बार में ये लग रहा है कि मुझे तो 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब की बार में जनता जाग चुकी है। क्योंकि जो झूठे वादे करते चले आ रहे थे ना कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, सबको देंगे मकान,
कितने 10 साल में एक मकान किसी गरीब को बनाया हो तो दिल्ली में मुझे बता दे। भाजपा सरकार ने जो सरकारें काम कर रही हैं वो झूठ पे बुलंदे पे काम कर रही हैं। बहन जी की सरकार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो पहले बोला गया हो जो ना गया हो। पहले जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखो राम तो पहले से ही आदमी है यहाँ, जो राजा दशरथ का पुत्र था और कबीरदास ने तो भाई राम चार बताए, अब कौन से राम को लाएंगे। पहला राम जो है दशरथ का प्यारा, दूसरा राम घटकावासी, तीसरा राम सकल पसारा और चौथा राम इस दुनिया से ही नहीं आ रहा। ये तो हमारे संतों ने कहा है, अब ये कौन से राम को लाए कौन से राम को नहीं लाए। और राम से देश तो ही चलता है। अरे भाई किसी का नाम लोगे देश तो ही चलेगा। देश चलेगा यहाँ की जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, विकास से चलेगा। जनता क्या चाहती है, क्या सरकार को इसकी पड़ी है? देखो सर बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उसके लिए पेट भरने के लिए पैसा नहीं होगा तो आदमी करेगा क्या। रोजगार बहुत जरूरी है और कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो ये रोजगार की तो बात ही नहीं करते। या तो राशन की बात करेंगे या पानी बिजली की फ्री की बात करेंगे। रोजगार मांग रहे प्रधानमंत्री करें पकौड़े तलो। हाँ पकौड़े तलने की बात तो डॉक्टर ऋतु ने भी बोली थी जेएनयू में, वहाँ से बेहतर वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो जेएनयू ने निकाल दिए और अपने आरएसएस के रख लिए। तो पकौड़े तलवाएंगे हमसे तो अपने बच्चों को नौकरी दे रहे हैं वो। इसके लिए तो जनता समझ नहीं रही कि आखिरकार की जो बच्चे वेल एजुकेटेड हैं चाहे वो किसी भी समाज का बच्चा हो या लड़की हो लेकिन उसको नौकरी से निकाला जा रहा है और गधों के लिए भर्ती करा जा रहा है। गधे का मतलब मेरा क्या है, आयोग की व्यक्ति, गधे से मतलब गधे नहीं हो रहे, आयोग की व्यक्तियों के लिए उसमें अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? हम क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि आने वाले 25 मई को क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 25 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाएं और अपने डॉक्टर अशोक कुमार जी को भारी बहुमत जिताने का समाज प्रयास करें और सोच समझ के वोट करें कि कभी फ्री के चक्कर में हमारा ये जो 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 ये जो वोट देने का अधिकार है यही ना खत्म हो जाए। इसलिए अगर हाथी पे वोट डलवा रही है, हाथी पे वोट देनी बहुत जरूरी है बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज के लिए जितना बहन जी ने काम किया है शायद ना तो बीजेपी ने काम किया है ना आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी लोग कह रहे बहन जी निकलती नहीं है। नहीं बहन जी निकलती कैसे नहीं है, बहन जी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि यदि बहन जी के कार्यकर्ता ही अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाए तो बहन जी को कोई हरा नहीं सकता। बहन जी को के काम इतने हैं क्योंकि जनता तक बहन जी के कार्य पहुंचते ही नहीं है। जितना बहन जी के कार्य एससी एसटी और समाज के लिए काम किया है मगर वो जनता तक नहीं पहुंचते। बहन जी ने समाज के लिए इतना काम किया फिर भी आप समाज के लोग बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस में जा रहे हैं। देखो उन लोगों को वोट की वैल्यू का पता नहीं है कि वोट की वैल्यू क्या है। वोट से राजा बनता है। बाबा साहब ने तुमको वोट का जो राइट दिया है वो राजा बनने के लिए दिया है जी। जो वोट का राइट दिया है वो राजा बनने के लिए दिया है। तुम्हारा राजा हुआ तो तुम्हारी जनता का भला होगा जी। और अच्छा राजा हुआ तो देश का भला होगा समाज का भला होगा। तो बहन जी ने चार बार के शासन में दिखा दिया कैसा सीएम हूँ। चार भैया उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज तक किसी स्टेट गवर्नमेंट की छोड़ो किसी स्टेट गवर्नमेंट की छोड़ो केंद्र की सरकार ने भी ऐसा काम नहीं किया है। चलिए ये तमाम वो साथी हैं जो दिल्ली के अंदर चिंतित हैं समाज को लेकर बसपा को लेकर। कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली ऐसा कुछ बसपाई कर गुजरेंगे जिसकी कभी बसपाइयों ने सोची भी ना होगी क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी के जो ये कार्यकर्ता हैं जिनको स्लीपर सेल भी आप बोल सकते हैं, फिल्मों में आपने स्लीपर सेल देखे होंगे, अब ये स्लीपर सेल जाग गए हैं और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को बसपा को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कमर कस ली है।